हाय ऑल, दिस इज अंशले और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीबीएसई ने एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो अब ये सब्जेक्ट क्या है, आप कौन सी स्ट्रीम में ले पाओगे और इसका क्या फायदा है, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो बिफोर वी स्टार्ट दैट, इस चैनल पर यू गेट ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, be it your 12th or 11th class, या आप BCA, BTech, MCA, MTech या BSc, MSc कर रहे हैं, and you're a computer science student, so you will get all the contents related to computer science and computer programming on my channel. So do subscribe it, it's for free, you can learn all this free of cost. And now coming back to the topic of this video, अभी CBSE ने एक update दिया है जिसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो जो लोग अभी 11th में जा रहे हैं 10th के बाद, सो व्हेन यू गो टू 11th यू हैव अ चॉइस कि आप 5th सब्जेक्ट जो होता है वो चूज कर सको। तो हमारे पास नॉर्मली यू नो दैट 3 स्ट्रीम्स हैं, वी हैव साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, एंड साइंस में भी फिर आपके पास मेडिकल एंड नॉन मेडिकल होता है। तो अगर आप साइंस में मेडिकल ले रहे हो तो आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि फिक्स्ड होंगे, जैसे इंग्लिश इज कंपल्सरी, then you'll have bio, you'll have physics and you'll have chemistry. Same way if you have non-medical, you'll have English, physics, chemistry and maths. Agar aapke paas commerce hai, so aapke paas English, business studies, accounts or economics hoga. Aur humanities mein to bahut wide range hoti hai subjects ki choose karne ke liye. So 4 subjects aap wahan pe choose karte ho, jo 5th subject hai wo elective hai, that is aapke paas kafi sari options hoti hai irrespective of the stream, chahe aapke paas science hai, commerce hai, ह्यूमैनिटीज है, आप वो 5th सब्जेक्ट इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हो। और इन ऑप्शंस में जनरली ऑप्शंस क्या होती है, मैथ्स, आईपी दैट इज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, एंड देन यू हैव हिंदी, यू हैव फिजिकल एजुकेशन, यू हैव इंजीनियरिंग ड्राइंग, एंड इसी में ही एक ऑप्शन अब और ऐड कर दी गई है, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। नाउ दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मैथमेटिक्स, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो डिफरेंट है, वो काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, काफ़ी टफ होता है, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सही है जिनको आगे मैथमेटिक्स में ही डिटेल में कुछ करना हो या जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। बट अगर आप नॉर्मल मैथ्स करना चाहते हो तो देखने के लिए कि मैथ्स डिफरेंट एरियाज में अप्लाई कैसे होता है, जिसमें हमारे पास वेरियस फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आ जाते हैं। सो रादर देन डूइंग दी हार्ड कोर मैथ्स, हम मैथ्स को इस तरीके से करते हैं कि ये चीज़ मैंने मैथ्स में सीखी तो अब ये रियल लाइफ में डेटा को एनालाइज करने के लिए या प्रिडिक्शंस के लिए कहाँ पे यूज हो सकता है। सो जनरली स्टैटिस्टिकल मेथड्स होने चाहिए इसके अंदर, अभी तक डिटेल्ड कोर्स जो सिलेबस है वो रिलीज नहीं हुआ है, सो एज सून एज इट विल बी रिलीज आई विल अपडेट यू विद दैट। बट अभी सिर्फ सब्जेक्ट की गाइडलाइंस आई हैं कि ये सब्जेक्ट की ऑप्शन आपके पास है और ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके अगर आपको इसमें रिसर्च में जाना हो अबाउट दी अप्लाइड मैथमेटिक्स थिंग, या फिर आपको स्टैट्स में जाना हो। सो डिपेंडिंग अपॉन सर्टन कोर्सेस जो आप ग्रेजुएशन में करते हो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी विद अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बात आती है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि 10th में आपके पास या तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। सो यूजुअली हमारे सारे CBSE स्कूल्स में मैथ्स 10th में कंपल्सरी होता है, बट अदरवाइज CBSE गिव्स यू अ चॉइस, आप चाहो तो मैथ्स की जगह पर और सब्जेक्ट भी ले सकते हो इफ स्कूल परमिट्स, बट आई डोंट थिंक लाइक 99% ऑफ स्कूल्स दे हैव टू लाइक दे फोर्स यू टू टेक मैथ्स, एंड आपको मैथ्स लेना ही पड़ता है और हम मैथ्स करते आ रहे हैं, तो हमें आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पास 10th में ये चॉइस होती है कि आप मैथ्स की जगह पे कुछ और ले पाओ। सो यहाँ पर ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर मैथ्स होगा आपके पास या एलिमेंट्री या अप्लाइड तभी आप 11th में वो सब्जेक्ट ले पाओगे। सो यूजली ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं है जिसके पास मैथ्स ना हो, तो एलिजिबिलिटी तो सबकी हो जाएगी। बाकी इसका यूसेज है इन फर्दर डिग्रीज जो रिसर्च से रिलेटेड है, यू वोंट बी एबल टू डू बीटेक अगर आपने कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लिया, ऐसा नहीं है आप वो नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको साइंस ही चाहिए, लेकिन आगे जो रिसर्च के हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिसर्च है या स्टैट्स से रिलेटेड रिसर्च है, तो वहां पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी विद दिस सब्जेक्ट। और जैसे ही इसका कोर्स करिकुलम आएगा आई विल एक्सप्लेन यू, एंड इट्स अ बिट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग ऑल्सो, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। सो हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, जो मैथमेटिकल चीजें हैं, जो स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, उनको हम
अप्लाई करते हैं टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स, ताकि हम डेटा को एनालाइज कर सकें. अभी भी जो पाइथन का कोर्स है हमारे पास, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एज वेल एज कंप्यूटर साइंस का, उसमें यू हैव सो मेनी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इन पाइथन. और वो हम क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू एनालाइज द डेटा. तो वही चीज अब हाथों से करनी है. लाइक आपके पास उसमें है पाइथन में कि कोरिलेशन निकालो नंपाई यूज करके, वेरियंस निकालो. अब उसी चीज को हमें हाथ से कैलकुलेट करना है रादर देन राइटिंग अ प्रोग्राम. सो दैट वुड बी अप्लाइड मैथमेटिक्स. So that is the basic brief about the subject. I'll give you the details as soon as I get the detailed syllabus. So that's it for this video. I hope the information was useful. If yes, do click the like button, share the video with other people who are going to join class 11th, so that unko pata ho ki unke paas kya choices available hai. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.